हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री हाउ टू मेक मैप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आपको वेजिटेबल्स को वॉश करना, और वैसे तो सभी को वॉश करना आता है, लेकिन किस तरह से अभी जो समय चल रहा है उसमें आपको किस तरह से वेजिटेबल को वॉश करना है और किस तरह से सेफ रख सकते हो आप लंबे समय तक, तो वही मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक बड़े से तपेले में सारी सब्जियाँ डाल दी हैं, और इन सब्जियों को डाल के मैंने नमक के पानी में डाल के कम 10 मिनट के लिए रखा है, और उसके बाद मैं इन्हें वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एक वेजिटेबल्स को हाथ में लेकर इस तरह से रब करके और साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो भी गंदगी हो ना वो निकल जाए अच्छे से। अभी जो समय चल रहा है उसमें आप लोग को बहुत सेफ्टी रखनी है, और आप लोग वैसे धो ही रहोगे इस तरह से सब्जियों को, लेकिन मैं सोचा आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर दिया जाए। तो ये देखिए, बस इस तरह से मैं सब सब्जियों को धो के रख दूँगी, और इन्हें मैंने 10 मिनट पहले ही नमक के पानी में डाल के रख दिया था, तो इन्हें धो लेते हैं हम इस तरह से। और ये तो वेजिटेबल्स की बात हुई, लेकिन अगर आप कुछ भी सामान बाहर से मतलब ख़रीद के लेके आ रहे हो तो उसको वॉश ज़रूर करो। अगर वो पैकिंग है तो भी उसको वॉश करो, और पैकिंग नहीं है और मतलब ऐसा है कि हम इसे धो सकते हैं तो आप उसे धोइए, वॉश करिए अच्छे से, और फ्रूट्स को भी अच्छे से वॉश करिए, और केले रहते हैं उनको भी वॉश करिए, क्योंकि केले को हम छील के खाते हैं तो उससे भी गंदगी हमें हाथों में लगती है और फिर वो सीधे हमारे डायरेक्ट पेट में जाएगी। तो इसलिए आप केले को भी धो के अच्छे से फटाफट और फिर उसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए, तो वो केले ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन और गिलकी भिंडी सब धो लिए हैं, और ये टमाटर बचे इन्हें भी मैं धो लूँगी और इसी तरह से धोऊँगी रब कर करके, ताकि सारी गंदगी निकल जाए। तो यहाँ आप देख लीजिए, पर ये सभी वेजिटेबल्स मैंने अच्छे से धो लिए हैं, अच्छे से वॉश हो गए हैं। तो इन्हें मैं हवा में रख देती हूँ ताकि जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए, थोड़ा सूख जाए, उसके बाद इसको हम फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में आपको किस तरह से स्टोर करके रखना है वो भी आप देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा किस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हो मतलब फ्रिज में इन वेजिटेबल्स को, और जो लंबे समय तक सेफ रहेंगे। तो यहाँ पर ये पुदीना था तो इसे भी मैं वॉश कर लेती हूँ, और इसे भी मैं उसी तरह से पानी में डिप कर करके वॉश करूँगी, ताकि अच्छे से जो सारी गंदगी है, मिट्टी है, वो निकल जाए। और आपको पता होगा पुदीने और धनिया में बहुत मिट्टी रहती है, तो इसे अच्छे से वॉश करिए। तो इस तरह से मैंने तपेली में पानी भर लिया है और नल चल रहा है, और इस तरह से मैं इसे डिप कर करके धो रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह से वॉश करना है, ताकि जितनी भी गंदगी है ना वो सब निकल जाए इसमें से। तो इस तरह से ऊपर नीचे दोनों साइड से अच्छे से वॉश कर लेते हैं, लीव्स और डंठल दोनों को अच्छे से वॉश करना है। तो इसे मैं वॉश कर लेती हूँ इसी तरह से। पुदीना अच्छे से वॉश हो चुका है, तो इसे मैं ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए हवा में रख देती हूँ, फिर इसको स्टोर करके रखेंगे।
तो अब इन सभी सब्जियों को जब ड्राई हो जाएगी तब इस तरह से मैं इन्हें पैकिंग करके रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, पॉलीथीन भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा समय मतलब जैसे मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है, जैसे बारिश का मौसम है तो उसमें सब्जियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो इस तरह से मैं पेपर में इनको रैप करके रख रही हूँ ताकि काफ़ी समय तक ये सेफ़ रहे। और फिर फ्रिज में रख दूंगी इन लोग को, और इस तरह से मैं पीछे साइड से फोल्ड कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए किस तरह से इन्हें पैक करना है। आप पॉलिथीन में भी रख सकते हो, लेकिन उसमें भी सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और पेपर में क्या, जितनी भी नमी है ना वो सोख लेता है पेपर। और इस तरह से देखिए, और निकालने में भी आपको इजी रहेगा, इस तरह से आप ऊपर से निकालिए और इसको रख दीजिए फ्रिज में। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनको अच्छे से पैक कर दिया है। तो जब भी मुझे यूज़ करना रहता है तो इस तरह से निकाल के और यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं, मैंने टमाटर को भी इसी तरह से रखा है और पुदीने को भी इसी तरह से मैंने रखा है। यहाँ पर जो भिंडी है, मिर्ची है, इनको भी मैं इसी तरह से रखूँगी। तो ये देखिए इस तरह से आपको इनको रखना है। तो यहाँ पर मैंने भिंडियाँ भी पैक कर दी हैं और इसी तरह से हम मिर्चियों को भी रखेंगे इसी तरह से। और पहले मिर्चियों को इस तरह से पेपर में रेप करने से पहले आप इनके जो डंठल है ना उनको हटा दीजिए, ताकि जो डंठल है ना उसी से मिर्चियाँ बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, क्योंकि डंठल गलते हैं उसके बाद वो मिर्ची को ख़राब कर देते हैं। तो मैं यहाँ पहले सबसे पहले डंठल तोड़ लेती हूँ, उसके बाद मिर्चियों को इस तरह से रखूँगी। तो डंठल तोड़ लेते हैं पहले इनके। मिर्ची को भी हम इस तरह से सेव करके रख लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से पैकिंग कर लिया इसका, और इजी रहता है निकालने में भी। और आप चाहो तो इस तरह से ऊपर से भी इसे फोल्ड कर सकते हो। तो ये देखिए, और बहुत ही सेफ़ रहेगा, काफ़ी समय तक, लंबे समय तक चलेगा। तो एक बार अगर आप इस तरह से नहीं रखते हो वेजिटेबल्स को फ्रिज में, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत समय तक, लंबे समय तक मैं बोल रही हूँ आपको, सेफ़ रहेगा, क्योंकि मैं इसी तरह से रखती हूँ। अभी बारिश में तो आप इसी तरह से रखिएगा सब्जी को, ताकि सेफ़ रहे। और चलिए इसे मैं फ्रिज में रखना बता देती हूँ आपको।
तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने फ्रिज का डोर खोल लिया है और ये डोर वाला साइड है ना, यहीं पे मैं इनको रखूँगी ताकि मैं मतलब इजीली निकाल लूँ इनको। और आप चाहो तो टब में भी रख सकते हो वन बाय वन, एक मतलब लाइन से जमा कर। और आप लोग को मेरे वीडियो कैसा लगा वेजिटेबल को वॉश करना और सेफ़ रखना लंबे समय तक, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। फिर मिलूँगी, थैंक यू, बाय।